نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تقوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ये अल्लाह तबारक ताला ने जो हमें और आपको माल दौलत अता फरमाई है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है जो हमको नवाजा है। और इसलिए अल्लाह तबारक ताला माल देता है कि हम इस माल के ज़रिए से उन लोगों की खिदमत करें जिनको अल्लाह ताला ने माल से महरूम कर रखा है, ग़रीब बना रखा है। दुनिया में अमीर लोग भी हैं, ग़रीब लोग भी हैं, मालदार भी हैं, ग़रीब भी हैं। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने माल से महरूम कर रखा है, मैंने एक आयत पढ़ी आप हज़रात के सामने, इसमें अल्लाह तबारक तआला ने ज़कात के मुतल्लिक़ फरमाया है। मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि जो कुछ अल्लाह ताला माल देता है, ये एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अतिया है, बहुत बड़ा एहसान है। और माल इसलिए देता है अल्लाह तबारक तआला कि जो लोग माल से महरूम हैं, गरीब हैं, फ़कीर हैं, तंगदस्त हैं, तो ऐसे लोगों का ख्याल रखें, उन पर खर्च करें, उन पर खर्च करें। इसलिए माल अल्लाह ताला देता है, यानी गुरबा का ख्याल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये माल जो मिलता है हमको इन्हीं की बदौलत मिलता है, गरीबों की वजह से, जो बिल्कुल बेचारे ऐसे लोग जिसको हम धुतकार के भगा देते हैं, डांट कर भगा देते हैं, कमज़ोर लोग और बहुत ही खस्ता हाल लोग, ऐसे लोगों की वजह से हमको अल्लाह ताला माल देता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, तुरज़कून बिज़ुआफ़ाइकुम, कि तुमको अल्लाह ताला रिस्क ये देता है ज़ुआफ़ा, कमज़ोरों की बदौलत, जो बहुत कमज़ोर खस्ता हालत हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, डांट फटका के भगा देता अपने दरवाजे से, तो ऐसे लोगों की बदौलत अल्लाह ताला हम सब लोगों को रिस्क देता है। वो काबिले कद्र हैं, उनको डांट फटकार के भगाना नहीं चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, वअम्मा सायल फला तन्हर, कि साइल को डांटो नहीं। अगर कोई साइल सवाल करता है अल्लाह के लिए, मांगता है आपसे, तो उसको डांटो नहीं। अगर पैसे है कुछ तो दे दो, नहीं पैसे हैं तो उसके लिए कोई दुआ दे दो, अल्लाह ताला तुम्हारे पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़रूरियात को पूरी फरमाए, जी इस तरह की कोई दुआ दे दो उनको। लेकिन डांट कर भगाना ये बात अच्छी नहीं है, डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के नज़दीक बड़े काबिल कदर हैं। हम उनको समझते हैं खस्ता हाल, हम उनको समझते हैं बदहाल, हम डांट देते हैं, भगा देते हैं उनको अपने दरवाजे से, डांटना नहीं चाहिए। तो माल की अकड़ में आदमी गरीब को डांट देवे, ये बहुत बुरी आदत है, नहीं डांटना चाहिए।
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة وہ لوگ جو اپنے پاس سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں یعنی مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں غریبوں اور بیواؤں یتیموں پر خرچ نہیں کرتے ہیں تو فبشر اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں نہ صدقہ فطر نکالتے ہیں تو کہتے فبشرہم بعذاب علیم تو ایسے لوگوں کو بشارت دے دو خوشخبری دے دو سخت عذاب کی بطور طنز کے اللہ نے فرمایا کہ ان کو بشارت دے دو بشارت تو اچھے کام کی دی جاتی ہے عذاب کی بشارت نہیں دی جاتی لیکن فرمایا بشارت دے دو ان کو یعنی طنز کے طور فرمایا کیسے ان کو بتا دو اس بات کو کہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم کو عذاب علیم چکھنا ہوگا دردناک عذاب دوزخ کا عذاب چکھنا ہوگا آگے ارشاد فرمایا یوم یحما علیہم فی نار جہنم جس دن کی یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں وہ سونا چاندی جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ مال جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ مال جو ہے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا فتقوا بها جباهم بس اس سے ہماری پیشانی داغی جائے گی ہماری پیشانیاں جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی وجنوبهم اور ان کے پہلو داغے جائیں گے پہلو داغے جائیں گے جہنم کی آگ میں وظہورهم اور ان کی پیٹھ داغی جائے گی پیٹھ میں انہیں جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم یہی تمہارا وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا جوڑ جوڑ کے رکھا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے یہی تمہارا وہ مال ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون لہذا چکھو مزہ اس بات کا جو تمہیں جمع کر کے رکھا تمہیں غریبوں کو نہیں دیا زکوٰۃ نہیں نکالی یتیموں پر خرچ نہیں کیا لو اب چکھو اس کا مزہ جلو جہنم کی آزاد میں جہنم کی آگ میں جلو تمہارا مال جہنم کی آگ میں تپا کر کے تم کو جلایا جائے گا کتنی سخت بات فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں صدقہ فطر نہیں نکالتے میرے محترم بزرگوں جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے ہمارے اسلام کے اندر فرائض میں سے زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے اپنے مال کا 40واں حصہ نکالنا سال میں ایک دفعہ یہ فرض ہے جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں سال بھر کمانے اور کھانے کے بعد جتنا بچ جائے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں سے 40واں حصہ ہمیں نکالنا فرض ہے 40واں حصہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے جی یعنی 2.5 روپے سینکڑا میں 25 روپے ہزار نکالنا یہ ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے تو یہ مال کی زکوٰۃ ہے تو مال جو کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ ہم غریبوں کی بھی خبر لیں غریبوں کا بھی مجھے خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ ہم غریبوں کو فراموش کر دیں بہت سے لوگ کو بعض جب مال آتا ہے تو مال کا نشہ سوار ہو جاتا ہے ان کے اندر بڑائی آ جاتی ہے ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں سمجھتے دوستوں کا بھی خیال نہیں کرتے ان کو بھی حقیر سمجھنے لگتے ہیں
अपने रिश्तेदारों को भी हकीर समझने लगते हैं, तमाम दूसरे लोगों को हकीर समझने लगते हैं माल के नशे में। तो जब माल का नशा आदमी के पर सवार होता है तो दूसरों को वो हकीर समझने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों। गरीबों का हमेशा ख्याल करना चाहिए। गरीबों का ख्याल करने से अल्लाह ताला और भी देता है। गरीबों पर खर्च करने से अल्लाह ताला और भी ज़्यादा देता है, ये अकीदा रखना चाहिए। जब हम दूसरों को अल्लाह की मखलूक को खिलाएंगे अल्लाह का दिया हुआ माल, तो अल्लाह ताला हमको और ज़्यादा देगा। गरीब आदमी भी जो दूसरों को चाय पिलाता है, उनकी ज़ियाफ़त करता है, खिलाता पिलाता है, तो अल्लाह ताला उसको भी मालदार बना देता है। तो माल ऐसी चीज़ है मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि आदमी को माल से मोहब्बत होती है। जब माल आ जाता है ना तो ऐसी मोहब्बत हो जाती है कि वो खर्च करना नहीं जानता। खर्च करने से उसके कमर के धागे टूटते हैं जी। बाद लोग ऐसे होते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि चली जाए चमड़ी न निकले दमड़ी, अरे खाल निकल जाए लेकिन हमारे एक नया पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं बाद लोग, समझे, इतने बखील लोग। तो ईमान और बुख्ल दोनों इकट्ठा नहीं होते हैं। ईमान वाला बखील नहीं हो सकता, मोमिन बखील नहीं होता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐसी दावत जिसमें सिर्फ मालदारों को पूछा जाए और गरीबों को न पूछा जाए उसमें शिरकत मत करो। मालदार लोग जो हैं जब दावत करते हैं तो सिर्फ अपने मालदारों को पूछते हैं, मालदारों की दावत करते हैं, गरीब और खस्ता हाल लोगों को नहीं बुलाते, नहीं पूछते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये बड़ी संग दिली की बात है, सख्त दिली की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिनकी बदौलत हमको माल मिला है उनको भी पूछना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए। तो उनको पूछना बहुत ज़रूरी है, गरीबों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम सारे मुसलमान अपने माल की, अपने जेवर की, नकद की, मतलब तजारती माल की जगात पूरी निकाला करेंगे तो इंशाअल्लाह गुर्बत हमारे मुसलमानों के दरमियान से दूर हो जाएगी। लेकिन आज मुसलमानों में 25% भी मुश्किल से ऐसे ही मिलेंगे जो ज़कात सही मानों में निकालते हों, सही मानों में ज़कात निकालते हों। हर साल अपने पूरे माल की, जेवर की, तजारती माल की पूरी ज़कात निकालना फ़र्ज है। अगर नहीं निकालेंगे तो इस कुरान पाक की आयत की बदौलत अल्लाह ताला उसके माल को जहन्नम की आग में दबा करके उसकी पेशानी दागेगा, उसके पहलू को दागेगा, उसकी पीठ को दागेगा। बहुत बड़ी सजा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। और जब कब्र में जाएगा तो वही माल हमारा जो है अजदहा सांप बन करके आएगा और उसको डसेगा और कहेगा, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, मैं तुम्हारी दौलत हूँ, और डसता जाएगा। ऐसा मतलब इतना सख्त अजाब दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो माल की ज़कात नहीं निकालते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हर साल मुकर्रर कर लेना चाहिए, जब भी आप ज़कात निकालें साल में तो हर साल ज़कात निकालें। जो कुछ भी आपके पास माल है, माल तजारत और जेवर जो कुछ भी है, तो उसकी पूरी मालियत देख लें कितनी मालियत का पहुँचता है, उसमें से 40वां हिस्सा ज़कात निकालना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इन गरीबों का ख्याल करना हमारे लिए ज़रूरी है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। और अगर इनका ख्याल नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला हो सकता है कि हमसे माल को छीन भी लें, क्योंकि ये माल जो हमेशा के लिए नहीं मिलता, ये तो आरजी है, माल आरजी है। आज आदमी को अल्लाह ताला ने दिया माल, कल को छीन भी सकता है, उससे ले भी सकता है दौलत को। इसलिए अल्लाह के दिए हुए माल पर शुक्रिया अदा करना चाहिए और माल के हक को अदा करना चाहिए जी। वफ़ी अमवालिकुम हक़्क़ुल लिस्सैल वल महरूम, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया तुम्हारे माल के अंदर हक है साइल का भी, मांगने वाले का भी,
और महरूम का जिसको अल्लाह ने माल से महरूम कर रखा, गरीब बना रखा है, इन दोनों का हक है हमारे माल के अंदर। तो गरीबों का हक ज़कात निकाल करके, सदका फितर निकाल करके और उनकी मदद करके, बराबर उनकी मदद करते रहना चाहिए ताकि ज़कात का फरीज़ा अदा होता रहे और हमारे मुसलमान दूसरे गरीब भाई वो भी अच्छी हालत में आ जाए।